तो फाइनली YouTube ने हमारे चैनल पे टैंक देखो ओ भाई तो मस्त सा लग रहा है वाला टैंक। तो आपके जो नाम के आगे क्या पे लॉयल्टी बैच टाइप का आता है भाई। इस साइड का वेदर देखो, यहाँ इतनी धुंध टाइप की जमी हुई है। अभी टाइम हो रहा सुबह के 7:45 एंड आज का वेदर एकदम मस्त सा है। तो अभी मैं थोड़ी देर में यहाँ पे शॉर्ट राइड के लिए निकलूंगा एंड अभी मेरा हेलमेट वगैरह सब कुछ रेडी है, मतलब मैंने अभी सेटअप किया। बट हाँ, ये वाइजर है ना इसका, ये देखो ये वाइजर इसका ना थोड़ा सा गंदा हो गया, इस पर स्क्रैचेस वगैरह बहुत सारे आ गए। तो मैं अभी क्या सोच रहा हूँ कि ना इसे कुछ टाइम बाद चेंज कर लूँगा, बट अभी थोड़ा सा मतलब चल रहा है तो ठीक है, और अगर मुझे ज़्यादा इशू आएंगे तो या आई विल चेंज इट। और हाँ, मुझे आप लोगों से एक बात ये भी करनी थी कि आजकल ना बहुत सारे मैसेजेस मुझे यहाँ पे वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू यार जो जो लोग वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब किसी दूसरे स्टेट से यहाँ पे आपको लोग देखते हैं, वेस्ट बंगाल से देखते हैं, आसाम से देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और अगर आप भी किसी दूसरे स्टेट से हो या फिर उत्तराखंड से भी हो तो यार यू कैन कॉमेंट डाउन यार कि कहाँ स्टेट से हो, कहाँ से आप ब्लॉग देख रहे हो, तो बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा मोटिवेट टाइप का फील होता है कि इतनी दूर दूर से वेस्ट बंगाल, असम, कर्नाटका, त्रिपुरा, मतलब बहुत जगह से लोग देखते हैं यार और कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है एकदम। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, दिस इज जस्ट फॉर यू फ्रॉम माय साइड। हाँ, सो बस अभी यहाँ पे रेडी होता हूँ, देन उसके बाद फटाफट निकलते हैं यार, क्योंकि धूप भी लग रही है और ज़्यादा लेट भी मुझे नहीं जाना है। तो अभी 7:45 हो रहा है, तो 8 तक मैं निकल जाऊँगा एंड जल्दी जल्दी 10 तक घर आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर घूमना नहीं है, बस ब्लॉग बनाने जाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे एंड या अभी फटाफट रेडी होता है एंड निकलते हैं भाई कुछ कुछ कुछ। तो देखो गाइस, अभी मैं निकल चुका अपने घर से एंड टाइम अभी हो गया 8:16। वैसे मैं थोड़ा सा पहले निकल गया था बट व्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी का वेदर ना अच्छा सा हो गया यार सच में, जो धूप थी ना थोड़ा बहुत जितनी भी पड़ रही थी अभी वो थोड़ा सा कम हो गया है एंड अभी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जैसी धूप पड़ती है ना लिटरली राइड करने का मन ही नहीं करता यार, मैं सच बता रहा हूँ। एंड स्लीप्स वगैरह मेरे लाए हैं, बट मैंने बोला कि जब जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से वापस आऊँगा ना तो उसके बाद ही पहनूंगा, क्योंकि अभी हल्की हल्की धूप में तो हम थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। एंड अभी आज का मेरा क्या प्लान है कि मैं क्लॉक टावर साइड नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ मैं इससे पहले भी गया था, मतलब हमेशा वहीं जा रहा हूँ यार, एंड वहाँ अभी ट्रैफिक वगैरह भी होगा। फिर अगर उस साइड में जाऊँगा तो मुझे फिर वहाँ जाना पड़ेगा राजपुर रोड साइड, तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ नहीं जाते क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा मेरे लिए। मैंने आपको पहले बताया कि मैं अभी शॉर्ट जाऊँगा कहीं भी अगर जाऊँगा तो मैं अभी यहाँ से बल्लोपुर चौक से चले जाऊँगा लेफ्ट साइड एंड वहाँ से देखते हैं किधर जाएंगे, किमाड़ी साइड जाएंगे या फिर कहीं भी जाएंगे। यहाँ देखो धुंध जमी हुई है यार काफ़ी। Oh my God! इस वाली रोड पे मैं 1.5-2 महीने बाद आ रहा हूँ, और अभी ना मेरा हेलमेट मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है क्योंकि मेरे जो हेयर की लेंथ है ना वो थोड़ा सा बढ़ गई है, और अभी मेरा मन कर नहीं रहा उन्हें कटवाने का क्योंकि अभी थोड़ा अच्छे से लग रहा है ना लंबे लंबे बाल, बस वो थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है क्योंकि भाई समर्स में लंबे बाल रखना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है यार। तो अभी मैं फ़िलहाल नहीं कटाऊँगा, देखते हैं कुछ टाइम बाद पक्का कटा देंगे। अभी मैं घर से जहाँ तक आया वहाँ तक मुझे रेड लाइट नहीं मिली, तो ये मेरी पहली रेड लाइट है, तो अभी यहाँ पे रुकना पड़ेगा मुझे। कई सारे लोग बताओ क्या करते हैं रेड लाइट पे, लाइक अपने आप को ज़्यादा कूल समझने के लिए, कूल दिखाने के लिए यहाँ से उधर घूम के जाएंगे क्योंकि उधर साइड का खुला है ना लेफ्ट साइड का, देन वहाँ से घूम के इधर आएंगे, उन्हें लगता है कि हमने पता नहीं कितना सारी टाइम बचा दिया एंड क्या बताएं भाई। अब चलो ठीक है, जिनको जो भी लगता है, जिन्हें कूल बनना अच्छा लगता है तो भाई बनने, तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले। यहाँ की रोड देखो कितनी अच्छी सी लग रही भाई, ऊपर से देखो पूरे पेड़ आ रखे, पूरी रोड ना पेड़ों से कवर हो रखी है ऊपर से पूरी। अब यहाँ फिर से कम हो गए, फिर यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं इस वाली रोड पे, पेड़ हैं, वाह वाह हाई को बड़ी वाह, पेड़ से मतलब बहुत सारे पेड़ हैं इस वाली रोड पे यार। अभी मैं यहाँ से आगे जाऊँ या फिर साइड जाऊँ, चलो लेफ्ट साइड ही चलते हैं। ये टैंक देखो ओ भाई, ये वाला टैंक पे पेंट कर दिया ना, कितना मस्त सा लग रहा है ये वाला टैंक। आए हाय हाय, ये परसों तक काफ़ी पुराना सा और का था, मतलब इस पर पेंट वगैरह नहीं किया था एंड अभी इस पर पेंट कर दिया, काफ़ी मस्त सा लग रहा है यार। एंड अभी मुझे आप लोगों को एक बात बतानी थी जो मैंने घर में अधूरी छोड़ी थी ना, तो वही बस हमें पूरी करनी है। तो जैसे आपको बताऊँ, मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था एंड वो यूट्यूब वालों ने एग्री भी कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे 2-3 चीज़ें और अप्लाई करनी थी। पहली तो मुझे यहाँ पे मेंबरशिप यहाँ पे अप्लाई करनी थी, दूसरा यहाँ पे सुपर स्टिकर्स एंड जो सुपर चैट्स वगैरह रहती है ना वो अप्लाई करनी थी, और तीसरी क्या करनी थी, एक शॉप का ऑप्शन होता है शायद से, है ना, हाँ, अगर मेरी मर्चेंडाइज वगैरह होगी ऐसा कुछ तो, हाँ वही होता है यार, अगर मेरे पे कुछ ऐसा आइटम्स वगैरह जो मुझे यहाँ पे सेल करना है YouTube की साइट से, मतलब YouTube के प्लेटफॉर्म से,
तो अगर आप अभी मेरे चैनल पे जाओगे ना तो आपको वहाँ पे एक तो सब्सक्राइब का बटन दिखेगा एंड उसके बगल पे यहाँ पे ज्वाइन का बटन दिखेगा। तो अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आप वहाँ से मतलब मेरे चैनल की मंथली यहाँ पे मेंबरशिप यहाँ पे ले सकते हो। अगर आप वो मेंबरशिप लोगे तो आपको लाइक मतलब फोटोज स्टेटस और कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे व्लॉग 8 बजे आना है तो वो आपको 6 बजे यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे आप कमेंट करोगे तो उसके आगे मतलब अलग अलग स्टिकर्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो गाइस बस यही बात है। तो फाइनली YouTube ने हमारे चैनल पे मेंबरशिप यहाँ पे एग्री कर दी है, तो या काफ़ी अच्छी बात है यार। और हाँ एक चीज़ बतानी तो आपको रह गई कि अगर जैसे आप मेंबरशिप वगैरह ज्वाइन करते हो तो अगर आप कभी भी कमेंट करोगे ना तो आपके जो नाम के आगे यहाँ पे लॉयल्टी बैज टाइप का आता है जिसपे स्टार बना रहता है तो काफ़ी कूल सा लगता है यार वो, अच्छा। एंड दूसरा यहाँ पे मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद जैसे मेरे चैनल के नीचे आप सब लोगों के नाम आएंगे जिन जिन लोगों ने यहाँ पे मेंबरशिप यहाँ पे ज्वाइन की है। मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है, कोई लोग ये मत समझना कि हमें फोर्स करा कि मेंबरशिप ज्वाइन कर, ऐसा कुछ भी नहीं यार। मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह वाले हैं, मतलब जॉब वाले लोग तो बहुत कम ही देखते हैं। तो अभी मतलब कौन यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप ले पाएगा, और अगर कोई ले सकता है तो यार ले लेना, और अगर नहीं ले पाएगा तो भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं वैसे भी आपसे कभी भी आपको फोर्स नहीं करता, बस मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि मेंबरशिप लेने के बाद क्या क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मतलब पहले जब मैं भी देखता था कि मेंबरशिप ले लो तो मुझे पता नहीं होता था कि क्या क्या होता है। तो बस यही सीन होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स एंड लॉयल्टी बैजेस और यूट्यूब चैनल के नीचे आपका नाम आना। तो बस भाई यही सीन होता है, बाकी तो सब बढ़िया है भाई, बाकी तो व्लॉग बनाते रहेंगे, मेंबरशिप वगैरह तो होती रहेंगी। भाई इस साइड का वेदर देखो, यहाँ इतनी धुंध टाइप की जमी हुई ना, यहाँ तो मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं है यार। और जहाँ से मैं अभी आ रहा था मेरे घर की साइड, वहाँ इतनी धूप लग गई ना भाई, अलग सीन है यार। मतलब कुछ किलोमीटर बाद ही ऐसा वेदर चेंज हो जाता है भाई, है ना। अभी आगे से मैं मुड़ के आ गया भाई, एंड अभी यहाँ देखो पूरा डाउन हिल है, मैं एकदम स्लोली स्लोली चला रहा हूँ, मतलब कोई भी रेस वगैरह नहीं दे रहा, अपने आप गाड़ी चल रही है, मतलब न्यूट्रल भी नहीं किया मैंने, मतलब गाड़ी तो स्टार्ट है ना, अगर न्यूट्रल करूँगा तो इसके इंजन पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा। और ज़्यादा आगे तक आज मैं गया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी आगे से ना एक दूसरे वाला यहाँ पे रूट पकड़ लूँगा, मतलब जहाँ मेन मार्केट से चले जाऊँगा क्लॉक टावर से। तो ध्यान तो है कि बीच में एक यहाँ पे रास्ता पड़ता है, मतलब ऐसे लेफ्ट साइड के लिए रास्ता पड़ेगा, एंड वहाँ से मुझे फिर घूम के क्लॉक टावर होते हुए जाना पड़ेगा। तो अगर वाला रास्ता मुझे मिल गया तो ठीक है भाई, और अगर ना मिला तो कोई बात नहीं, तो फिर जहाँ से हम आए थे वहीं से चले जाएंगे और क्या। तो गाइस ये वाला वो मोड़ है, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बट आया मैं उधर से था, एंड अभी मेरे आगे ये बड़ा बड़ा आर्मी का ट्रक जा रहा है। तो अभी यहाँ से मैं मेन मार्केट पहुँचूँगा, मतलब क्लॉक टावर पहुँचूँगा। तो मैंने अभी सोचे कि ये थोड़ा सा घूम के जाते हैं ना, जहाँ से अभी आया था वहीं से जाके क्या फ़ायदा, सेम वही दिखेगा मुझे भी आपको भी। ये वाले रोड भी ऐसे मस्त है यार। और देखो यहाँ देखो, जैसे मैं अभी यहाँ देखो सिटी की साइड जाने लग गया ना, अभी जहाँ मैं गया था तो थोड़ा पहाड़ों की साइड गया था, तो वहाँ आपने मौसम देखा होगा भाई, एकदम धुंध धुंध जमी हुई थी। और यहाँ देखो इतनी धूप लग गई ना भाई। अभी जैसे मैं और मतलब मेन मार्केट के साइड जाऊँगा ना, क्लॉक टावर के साइड, वहाँ तो भाई ट्रैफिक अलग मिलेगा और धूप अलग होगी वहाँ, और गर्मी भी लगेगी। हाँ जब धूप होगी तो गर्मी तो लगेगी ना। एंड अभी ये देखो सेंट्रियो मॉल भाई, इतना बड़ा मॉल है ना ये, उत्तराखंड का शायद से सबसे बड़ा मॉल है अभी तक का। हाँ बहुत ज़्यादा बड़ा है यार। अभी यहाँ मैं आऊँगा अब जब वो आएगा ना 15 अगस्त को, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे के दिन भाई, यहाँ इतना मस्त सा डेकोरेशन होता है ना, बहुत ही प्यारा होता है बाहर अंदर सब जगह। तो यहाँ आऊँगा एंड पैसिफिक मॉल दोनों जगह जाएंगे उस दिन। अगर देखूंगा उस दिन राइड का कोई प्लान बनेगा तो राइड पे जा लेंगे, वरना इधर ही आ लेंगे एक इसमें एंड पैसिफिक मॉल में। यहाँ मैं आया था सेंट्रो में, मतलब इस वाले मॉल में, जब कब आया था मैं, क्रिसमस का टाइम पे आया था भाई, इतना प्यारा डेकोरेशन किया था ना। ये लो भाई पहुँच गए हम क्लॉक टावर, एंड अभी यहाँ से तो सीधा घर ही जाऊँगा, यहाँ से इधर उधर कहीं भी नहीं भटकना है मुझे। और टाइम अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है, वैसे मैं घर से निकला था 8:10 ऐसे पे, और अभी 9 बज रहे, मतलब 1 घंटे में मतलब मैंने अपनी जो शॉर्ट राइड थी ना मतलब बस कम्प्लीट कर ही दिए। एंड यहाँ से मेरा घर हार्डली होगा 20-30 मिनट का रास्ता, बस इतना ही होगा। तो यार 9:30 बजे तक हम आसानी से घर पहुँच जाएंगे, एंड 10 बजे तक ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, एंड फिर बस वही 1 बजे तक अपना पूरा ब्लॉग एडिट भी कर देंगे, और फिर बस वही कल के लिए लगा देंगे शेड्यूल पे। अबे यार ये देखो जैसे मेरे आते यहाँ पे सीधे यहाँ पे रेड लाइट हो गया। चलो कोई नहीं, पूरी 50 सेकंड की यार, अब तोड़ तो सकता हूँ नहीं मैं, मतलब तोड़ने के लिए तोड़ सकता हूँ, बट भाई मैं रूल्स एंड रेगुलेशन कभी नहीं यहाँ पे ब्रेक करता, तभी मुझे 50 सेकंड तक यहाँ पे आराम से रुकना पड़ेगा। बस मतलब 1 सेकंड से चुका मैं, वरना जाने के लिए वैसे फुर भाग सकता था, बट चलो कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। सो गाइस अभी हम आ चुके FRI, ये है आपका FRI मेरी राइट साइड में, है ना। FRI में कितने टाइम से नहीं गया यार, वैसे बहुत टाइम हो गया यार वैसे। हाँ लास्ट विंटर्स में ही गया था,
एंड अभी समझ में तो जाने का कुछ फायदा भी नहीं यार सच में, और इतनी ज़्यादा धूप होती है ना, और जिन पे मतलब स्कूटी वगैरह नहीं रहती ना भाई उनको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है सच में। जब हम पहले पहले गए थे ना मतलब बिना स्कूटी के, इतना लंबा है ना भाई, पहले लगा था कि बस थोड़ा सा होगा 500-600 मीटर, आई थिंक 2-3 किलोमीटर तक बस हमें रोड रोड पे चलना पड़ता है आगे तक, और एकदम लास्ट पे यहाँ पे FRI जो मतलब मेन बिल्डिंग वगैरह है उसकी। पर है वैसा बहुत प्यारा यार, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। आपने वैसे देखा होगा मूवीज़ वगैरह में या फिर कई सारी म्यूज़िक वीडियो भी यहाँ पे शूट हुई हैं, मतलब मुझे कुछ पता नहीं है, मूवीज़ का नाम भी नहीं पता। एंड मूवीज़ का नाम तो क्या था, स्टूडेंट ऑफ द कुछ, हाँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर यार, मैंने देखी नहीं है बट मैंने बस सुना था कि हाँ मतलब यहाँ उसकी शूटिंग हुई थी, और बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोज़ भी यहाँ पे शूट हुई हैं यार। चाहत कसम नहीं है कोई रसम नहीं है। ओहो गाय माता, कितने टाइम बाद दिख रहे हैं भाई, मैं इनके लिए रोटी लाया हूँ, जाते हुए तो मुझे दिखी नहीं, ये देखो देखो इनको पता चल गया पक्का कि कुछ लाया। अरे भाई इतना तेज भी नहीं होना पड़ता यार, थोड़ा वेट कर लो, रुको रुको, अरे दे रहे हैं ये देखो, इतनी छोटी छोटी रोटी मैं खास इनके लिए बनाता हूँ, ये लो। हेलो ओए गिराना मत, थोड़ा और भी है यार, ये लो रुको वेट दे तो रहा हूँ, आओ इधर पे आओ भाई, जब भी खाना वगैरह देते हो रुक जा, थैली नहीं दे, अबे रुक जाना यार, ये देख ले थैली वगैरह मत दिया करो, और डरा मत करो इनसे, काफ़ी प्यारे से होते हैं, चलो खा लो अब आराम से। तो कभी भी गाय वगैरह को या फिर किसी को भी खाना देते हो ना तो थैली वगैरह मत दिया करो यार, फिर वो उनके पेट में जाके फिर उनको बीमारी वगैरह हो जाती। अरे ये वाली गाय देख रही, शिट यार, तभी तो मैं ना जब ऐसे झुंड में रहती है ना सच में मैं कभी नहीं देता हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार उनको लगे कि मैं भेदभाव कर रहा हूँ उनके साथ, तो मैं जब अकेले में रहती है तो तभी देता हूँ सच में। तो देखो गाइस अभी यहाँ से मेरा घर बस थोड़ा सा ही दूर है, मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट, 1 किलोमीटर या फिर 500 मीटर। सो ओके गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा सो प्लीज़ हिट द लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो कॉमेंट यूर फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। सो तब तक के लिए बाई पुचिक।